जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय श्री हनुमान जी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुत् पद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा श्री रामचंद्र गुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो हमने कल क्या किया था? कल जब सबने भरत जी पे बात छोड़ दी कि अब आप ही जो उचित हो वह कहिए, तो सब बात भरत जी के ऊपर आ गई। तो जब भी किसी के ऊपर कोई बात आ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अब जो करना है तुमने करना है, तब वह कभी भी कोई अनुचित बात नहीं करता। तो उसकी अंतरात्मा उसे समझाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो भरत जी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई थी कि अब मुझे उचित बात कहनी पड़ेगी। तब उनको लगा कि सरस्वती जी की वंदना की जाए, तब वो मुझसे उचित ही कहलवाएंगी। तब उन्होंने सरस्वती जी की वंदना की, सरस्वती उनके मुखारविंद पर आकर बैठ गई। तब भरत जी श्री राम की प्रशंसा करने लगे कि हे प्रभु, मैं तो आपका बहुत तुच्छ सेवक हूँ। मैंने तो इतनी ढिठाई की कि पिता के वचनों को भी असत्य करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन आपने फिर भी मेरी भक्ति ही देखी, उसमें मेरी सेवा भावना ही देखी। तो ये सब बातें सुनकर श्री राम जी फिर प्रशंसा करने लगे भरत की कि मेरे छोटे भाई का गुणगान मैं कैसे करूं, कि ये बहुत सही है और हर बात सही उचित ही कहते हैं। तब तो आगे राज काज सब लाजपति धर्म धरणी धन धाम गुर प्रभाव पाली ही सब ही भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन या रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी घर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। ये सब श्री राम कह रहे हैं। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करा वहु मोहु तात तर निकुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी कीर्ति सुगति भूतिमय देनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट उभारी करहु प्रजा परिवारु सुखारी। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई तुम ही अवधि बरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सुहाए ओड़ी अहि हाथ असनियु के घाए। ये सब बातें श्री राम कह रहे हैं भरत को कि सबने ये सब दुख को बांट दिया है अपने अपने हिसाब से, लेकिन तुम्हें 14 वर्ष तक
इंतजार करना पड़ेगा मेरे आने का, यानी कि तुम्हारा दुख तो सबसे बड़ा है, ऐसे श्री राम कह रहे हैं। तो तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ, यानी कि वियोग की बात कह रहा हूँ, हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकबी सराह ही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमिया जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर, यानी श्री रघुनाथ जी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि मैं यहीं पे रहूँगा, 14 वर्ष तक वनवासी करूँगा, तुम जाओ, ऐसे श्री नाथ जी की इनडायरेक्टली बात थी। और यह सब सुनकर सब मतलब प्रेम में विहल भी हो गए और थोड़ा दुखी भी हो रहे थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भा जनु गुंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ, स्वामी के सम्मुख होते ही यानी कि अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, यानी कि उनके दुख चले गए, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणामु बहोरी, बोले पानी पंक रूह जोरी, नाथ भयो सुख साथ गए को, लहेऊ लाहु जग जन्मु भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीश धरी चादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदरपूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन या कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, यानी कि अवधि को बिता दूं। मेरे लिए ऐसा कुछ दीजिए, आप कोई निशानी दीजिए ताकि मैं उसको देख देख कर खुश होता रहूं। खुश तो उन्होंने नहीं होना था श्री राम के वियोग में, लेकिन उसको देख देख कर उनको एक आशा उम्मीद दिखती रहे कि श्री राम जल्दी वापस आएंगे और ये अवधि जल्दी बीत जाए, ऐसा भरत जी कह रहे हैं कि कोई ऐसी निशानी दीजिए। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासनु पाई, आनेऊ सब तीरथ सलीलु, ते ही कहाँ काह रजाई। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एकु मनोरथु बड़ मन माही, सभाएं सकोच जात कही नाही, कहू तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई तै आमो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह और विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवसी अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संबादु सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुरतुरु फूल।
समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। स्वार्थी देवता बोला गया है यहाँ पे कि वो ऊपरी मन से फूल बरसा रहे हैं, उनके मन में तो कहीं ना कहीं छल कपट है कि कहीं शेर अवनाथ जी चले ना जाए, पर जब उनको दिखा कि थोड़ी थोड़ी बात हमारी साइड में लग रही है तब वो फूल बरसाने लगे। धन्या भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षत बरियाई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयऊ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। तो देवता क्या कह रहे थे, देवताएं बोले कि भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम की जय हो। ऐसा कहते हुए वह हर्षित होने लगे। मन में छल था, उनके कपट था, तब उनको लगा कि हमारी बात पूरी हो रही है, अब इसलिए वो जय जयकार करने लगे। और उनके वचन सुनकर वशिष्ठ जी, जनक जी और सभा में सब किसी को आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ? कि अब भरत जी का जो दुख का कारण है वो समाप्त हो रहा है। हालांकि जो भरत जी चाहते थे वो तो नहीं हुआ, पर श्री राम जी ने भरत जी को समझाया और भरत जी को ऐसा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि श्री राम का इंतजार करना चाहिए। तो अब उनके मन में थोड़ा सा संतोष है। भरत राम गुण ग्राम स्नेहू, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु, सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभा सद सब अनुरागे, सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज हिया हर्षु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। तो सबके हृदय में खुशी भी हुई और उदासी भी हुई थी। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी, एक कहीं रघुबीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहूँ तब भरत सनसैल, समीप सुकूप राखिया, तीरथ तोय तह पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहां कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथा कुआ था। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहां कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां अथा कुआं था। कुएं में जल स्थापित करने के लिए गए थे, जो तीर्थों से जल भरकर लाए थे। पावन पाथ पुण्यथल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असभाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेऊ काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसे कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन्न सरल थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भयो विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआ बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया, धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं हही लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, कोई हही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे, तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। तो क्या मतलब बना
इस पर्वत के समीप पे एक कुआं था, बहुत अच्छा कुआं था, जो काल के प्रभाव से यानी कि धीरे 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 करके वो छिन्न भिन्न हो गया था, वो खत्म सा हो गया था। अब जो भरत जी के सेवक थे उन्होंने उसको फिर से खोद दिया, उसको पूरा कुआं बना दिया और तीर्थों का जल वहाँ पे स्थापित करने की बात चल रही है। अब तो कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबीर ही तीर्थ पुण्य प्रभाऊ। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति भयऊ भोरु निशिशो सुख बीती, नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरा करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनुप नहीं, भई मृदु भूमि सकुचि मन मन ही। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुखलीने। कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर छिपा दिया पृथ्वी ने, तो पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्षि सुर घन करि छाही, बिटप फूलि फलि तृण मृदु ताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से मृग या पशु को देखकर और पक्षी सुंदरवाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। मतलब जो रास्ते में चल रहे थे वो चलते चलते पृथ्वी ने मार्ग सुगम बना दिया, कांटे वगैरह सब छुपा दिए, इधर उधर कर दिया, मार्ग अच्छा बना दिया। और जो पशु पक्षी थे वो सब भरत की सराहना कर रहे थे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान जैसे नदी बावली कुंड आदि, पृथ्वी के अलग अलग भाग, पक्षी पशु वृक्ष घास पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बुझत भरतु दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। तो सारे पवित्र जल के स्थान थे, जो पशु पक्षी थे, पृथ्वी के अलग अलग भाग थे, पर्वत वन बगीचे वगैरह, सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। यानी कि वहाँ पे जो जो चीज़ें थी, भरत जी उनके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि इतने दिव्य कैसे हैं, तो अत्रि मुनि जी उनके बारे में बताते हैं, उनका प्रभाव क्या है सब बताते हैं। कतहूँ निमज्जन कतहूँ प्रणामा, कतहूँ बिलोकत मन अभिरामा, कतहूँ बैठी मुनि आयसु पाई, सुमिरत सिय सहित दौ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव स्नेहु सुसेवा, देही आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीर्थ सकल भरत पांच दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयउ दिव सुभई सांझ। भरत जी ने पांच दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह पांचवा दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेर हुती राजू, भल दिन आजू जानी मन माही, रामु कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुची राम फिरी अवनि बिलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची।
श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोड़ी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहेऊ सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊ अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया, अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। यानी कि श्री राम जी कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन भक्त भरत उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उन्होंने उनके स्वामी की बात मन की बात जान ली और खुद ही बोल दिया कि अब मुझे आज्ञा दें। जेहि उपाय पुनि पाया जनु देखै दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से है दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। यानी कि वो बार बार उनका दर्शन करना चाहते थे चरणों का, तो कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपके चरणों का बार बार दर्शन करूं, इसका कोई उपाय सुझाइए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सूची सरस स्नेह सगाई, राउर बदी भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है, आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। अब मोक्ष प्राप्त करके जाना कहाँ है, मोक्ष प्राप्त करके ऐसा थोड़ी ना है कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए और कहानी खत्म और हम उसमें विलीन हो गए, हमारा अस्तित्व नहीं रहा, नहीं, ऐसा माना जाता है कुछ संप्रदायों द्वारा, लेकिन एक्चुअल में मोक्ष का मतलब होता है प्रभु के धाम में प्रवेश करना, और उसमें प्रवेश करने के बाद क्या, कोई ऐश थोड़ी करनी है, ऐश मटर गश्ती करनी है, नहीं, उनके धाम में प्रवेश करने के बाद भी भगवान की सेवा ही करनी है, और वहाँ पे वही इंसान जाता है, वही आत्मा उनके धाम में प्रवेश करती है जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में सेवा करने के लिए खुश रहती है। तो जिसको प्रभु की सेवा ही सर्वोपरि है, वही उस धाम में प्रवेश कर सकता है। तो वहाँ जाकर भी मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी भगवान की सेवा ही करनी होती है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से कर देनी चाहिए शुरू, कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि आपके बिना तो प्रभु मोक्ष का लाभ ही व्यर्थ है। अब भगवान की सेवा करें ना और मोक्ष मिल जाए, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है बात, भगवान की सेवा के बिना मोक्ष कैसे मिलेगा। दूसरी बात, भगवान की सेवा एक बार कर ली और मोक्ष ले गए, भगवान के धाम में चले गए, तो वहाँ पे भगवान है नहीं, मान लो कहीं गए हुए हैं, तो उस मोक्ष का भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ जाने का कारण ही ये होता है कि वहाँ जाने का जो भी कह सकते हैं कि वहाँ जाना ही क्यों है, भगवान की भक्ति के लिए ही जाना है वहाँ पे, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके बिना मोक्ष भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालु पाली ही सब काहू, देव दोहु दिशी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि बुरी भरोसो, किया विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मिलकिन ढीठू हठी मोहू। मुझे सब प्रकार से बहुत ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता, मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिखय अनुगामी, भरत बिनय सुनी सब ही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए, दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली। भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। यहाँ पे हंसनी की बात कह रहे हैं, हंसनी की विशेषता होती है कि अगर दूध के अंदर जल मिला दिया जाए तो हंस दूध ही पी जाता है और जल शेष बचा रहता है, उसकी इतनी विशेषता होती है। वही बात यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं उदाहरण स्वरूप कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले रामू प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी
भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तो यहाँ पे हंस की तुलना क्यों की गई थी, भरत जी कह रहे हैं कि मेरे कुछ गुण हैं, मेरे कुछ दोष हैं। जैसे हंसनी जल को कह रहे हैं दोष और दूध को कह रहे हैं गुण, जैसे हंसनी सिर्फ गुणों को ग्रहण कर लेती है दूध पी के जल को छोड़ के, वैसे ही श्री राम प्रभु आप मेरे दोषों को भूल के, दोषों को इग्नोर करके, मेरे गुणों को ग्रहण करके, मतलब मेरे गुणों को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे यहाँ पे उपमा दी जा रही है, इसलिए हंस की बात आई थी यहाँ पे। तो फिर दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन दयाल दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुर ही निरिपही घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम ही सपने हु नकलेशु। हे तात तुम्हारी मेरी, अब श्री राम कह रहे हैं, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। श्री राम ऐसे समझा रहे हैं छोटे भाई भरत को, क्योंकि उनके पिता नहीं रहे थे, ताकि भरत को ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। वो कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, जनक जी हमारे साथ हैं, विश्वामित्र जी हमारे साथ हैं, तो तुम्हें चिंता की बात नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वारथ सुजसु धर्मो परमारथु पितु आयसु पाली ही दुह भाई लोक बेदभल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूँ कुमग पग पर ही न खा लें अस बिचारी सब सोच बिहाई पालहू अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, यानी अगर आप कुमार्ग पर भी चलेंगे लेकिन आपके साथ गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, तब भी आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे कुमार्ग पर चलने पर भी, क्योंकि वो आपको मार्ग को ठीक कर देंगे। अगर आप गलत मार्ग पर जाएंगे तो वो आपको बचा लेंगे और सही मार्ग दिखाएंगे। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। अवधि भर मतलब जो 14 वर्ष का उनको समय दिया था उसका पालन करो। अच्छा, यहाँ पे अब क्या बात बताई श्री राम ने कि हमारा क्या कर्तव्य है, और हमारे सिर पे तो सभी हैं अभी गुरु जी जनक जी और विश्वामित्र जी हैं, तो ऐसा बड़े भाई छोटे भाई को समझा रहे हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ही हमारे कलयुग में भी भाइयों का आपसी प्रेम होना चाहिए कि बड़ा भाई छोटे की सहायता करे और छोटा भाई बड़े की रिस्पेक्ट करे, आदर करे। इन शास्त्रों से हमें ये सीखने को मिलता है, तब ये शास्त्र कहे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी दशरथ नंदन।